हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो पे यहाँ पे हम लोग सीखने वाले हैं कैसे आप लोग यहाँ पे SBI का लॉगिन आईडी बना सकते हैं। अगर आपने यूज़र आईडी फॉरगेट कर लिया, फिर आपको यूज़र आईडी पहले से पता है, तो ये वीडियो देख सकते हैं। अभी आपको अभी तक लाइक यूज़र आईडी पता नहीं है, तो उसका भी वीडियो मैंने बना रखा है। मेरे चैनल पर जाइए, आपको मिल जाएगा। वहाँ पर सर्च कीजिए SBI का यूज़र नेम, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, वहाँ पर देखिएगा यूजर नेम कैसे पता करना है, वो चीज़ हमने बता रखा है। तो यूजर नेम आपको पता चल गया। अभी आपको पता करना होगा लाइक उसका लॉगिन आईडी क्या है, मतलब लॉगिन पासवर्ड क्या है, ठीक है। तो कैसे करना होता है, चलिए उसके लिए आप bank.sbi की वेबसाइट पे आ जाना है और यहाँ पे नेट बैंकिंग पे चले जाना है और यहाँ पे आपको पर्सनल बैंकिंग पे सिंपली चले जाना है और यहाँ पे आने के बाद आपको कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक कर देना है। पर्सनल बैंकिंग पे आने के बाद और यहाँ पे आपको यूज़र नेम पासवर्ड मांगा जा रहा है, तो नहीं हमको पासवर्ड पता है, यूज़र नेम तो हमको पता है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता करना पड़ेगा। कैसे पता करना है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस वीडियो को जाके देखिए, उसमें बताया गया है। तो अभी हम लोग पासवर्ड को क्या करेंगे, फॉरगेट इस पर क्लिक करेंगे। फॉरगेट पासवर्ड कहाँ पर क्लिक किया ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लोगों ने फॉरगेट यूज़र नेम या फिर स्लैश लॉगिन पासवर्ड लिखा, इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख जाता है, फॉरगेट माई लॉगिन पासवर्ड पहला वाला ऑप्शन यही है, पहला वाला ऑप्शन ही रखेंगे। इसको नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सबसे पहले यूज़र नेम मांगा जाएगा। एक फॉर्म खुल के आ गया, इस फॉर्म को पूरा पढ़ लीजिए क्या क्या मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद मैं इसको फिल करूँगा। इस फॉर्म में थोड़ा सा और इसको बड़ा कर देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आपको यूज़र नेम फिल करना पड़ेगा, ठीक है, जो कि आपको SMS पे आया होगा अगर आपने फॉरगेट किया होगा तो। उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको कंट्री कौन सा है, जैसे कि मैंने इंडिया है, इंडिया फिल कर दिया। उसके बाद मोबाइल नंबर फिल करना है जो कि यहाँ पे बैंक से रजिस्टर्ड है, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ फिल करना है और उसके बाद यहाँ पे जो कैप्चा दिख रहा है ना, यहाँ पे कैप्चा फिल करके आपको सबमिट पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पे मेंशन यहाँ पे किया गया है। तो अभी इसको फॉरगेट करने के लिए आपको ATM का डिटेल सही होगा, ATM से ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा या फिर प्रोफाइल पासवर्ड से। तो मेरे को प्रोफाइल पासवर्ड भी नहीं पता, इससे नहीं कर सकते और ब्रांच में जा नहीं सकता अभी फिलहाल, क्योंकि आज संडे है तो ब्रांच जाना भी नहीं, वैसे बहुत लफड़ा लग जाएगा। जल्दी वो लोग काम करके देता नहीं है, बोलता है लंच के बाद आने के लिए। तो मैं यहाँ पे सिंपली ऑनलाइन करना चाहूँगा ATM के माध्यम से, तो आपके पास ATM भी होना चाहिए, ठीक है। चलो मैं यहाँ पर प्रोसेस करता हूँ, सबसे आसान वाला प्रोसेस बताता हूँ। इस फॉर्म को पहले हम लोग क्या करते हैं, फिल कर लेते हैं पूरा फॉर्म को, ठीक है गाइस, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। तो गाइस, हम लोगों ने पूरा डिटेल्स में फिल कर दिया। ऑल डिटेल्स फिल करने के बाद सिंपली मैं यहाँ पे फाइनल सबमिट कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दिया हूँ गाइस। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे OTP मांगा जा रहा है, OTP मेरे फ़ोन पे आ चुका है, तो मैं OTP को देख लेता हूँ गाइस, क्या OTP आया। उस OTP को गाइस यहाँ पे गाइस फिल करना पड़ेगा। तो OTP गाइस मैं देख लेता हूँ, OTP को गाइस हम लोगों ने फिल कर दिया। अभी मैं यहाँ पे फाइनल सबमिट मतलब कन्फर्म करूँगा, सो मैं कन्फर्म कर दिया हूँ। अब यहाँ पे तीन ऑप्शन आ रहा है, ATM से ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, सेकेंड लेयर ऑथेंटिकेशन है, ATM से करना चाहो तो ATM से करो प्रोफाइल पासवर्ड से या फिर रिसेट लॉगिन पासवर्ड थ्रू ब्रांच में जाके। तो पहला प्रोसेस सबसे ज़्यादा इजी है, तो मैं पहला प्रोसेस सिलेक्ट करता हूँ, ATM से मैं करना चाहूँगा। उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपके सामने खुल के आ जाएगा, देखिए मेरा कितना कार्ड एक्सपायर है। मैं ये 2015 से अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ, तो दो कार्ड मेरा ऑलरेडी एक्सपायर हो गया था, दो कार्ड हमने ऑलरेडी क्लोज करवाया था, तभी तक मेरा चार कार्ड चेंज कर चुका हूँ। अभी फाइनल यहाँ पे ये वाला कार्ड दिख रहा है यहाँ पे, तो इस कार्ड के थ्रू मैं यहाँ पे ऑथेंटिकेट करना चाहता हूँ। सो कन्फर्म पे मैं इस कार्ड को सिलेक्ट करके कन्फर्म पे क्या करूँगा, क्लिक करूँगा, ठीक है। इसी कार्ड का हमने पिन भी बनाया था, अगर पिन कैसे बनाना है उसका आपको नहीं पता तो उसका भी वीडियो हमने ऑलरेडी डाल रखा है, उसको जाके देखिए। बिना SBI ATM जाए हुए हमने पिन बना के दिखाया है, मैंने दूसरे ATM में जाकर बना के दिखाया तो हो जाता है, ठीक है। कोई ऐसा YouTube पे फिलहाल नहीं किया मैंने, करके दिखाया। सो फिलहाल इसका मैं डिटेल्स फिल करता हूँ, लाइक अकाउंट होल्डर का नाम क्या है, ATM का पिन क्या है, वैलिडिटी इसका मतलब कब एक्सपायरी होगा, और यहाँ पे कैप्चा वगैरह फिल करना पड़ेगा। तो मैं सारा डिटेल्स को एक बार फिल कर लेता हूँ फर्स्ट। गाइस, यहाँ पे हम लोगों ने पूरा डिटेल्स फिल कर दिया, अभी मैं यहाँ पे सिंपली प्रोसीड करता हूँ और यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे कार्ड वैलिडेशन इज सक्सेस हो चुका है, मतलब कार्ड के थ्रू वेरीफाई कर चुके हैं हम लोग इसको, मेरे को आगे का यहाँ पे प्रोसेस हो जाएगा ऑटोमेटिकली, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। डोंट रिफ्रेश दिस पेज, और नए पेज को रिफ्रेश करना नहीं क्लोज करना, ऑटोमेटिकली आप लोग यहाँ पे नए पेज पे आ जाओगे और यहाँ पे इंटर लॉगिन आईडी
इंटर लॉगिन पासवर्ड, बेसिकली यहाँ पे पासवर्ड बनाना पड़ेगा। क्या बनाना है यहाँ पे देख सकते हो, कंडीशन लिखा हुआ है पासवर्ड कम से कम 8 अक्षर का, ज़्यादा से ज़्यादा 20 अक्षर का होना चाहिए। उसमें यहाँ पे क्या है, कम से कम पासवर्ड जो है एटलीस्ट 1 डिजिट यूज़ करना पड़ेगा, अल्फाबेट भी पासवर्ड भी यूज़ करना पड़ेगा, बड़ा और छोटा दोनों, और स्पेशल करेक्टर भी यूज़ करना पड़ेगा। तो सारे चीज़ें यूज़ करके आपको पासवर्ड बनाना पड़ेगा, ठीक है। और जो गेसिंग करने वाला पासवर्ड होता है उसको नहीं बनाना है, और किसी का पर्सनल नाम जैसे डेट ऑफ बर्थ एंड ऑल सारे से यूज़ नहीं करना है, कार्ड नंबर एंड ऑल सारे से लिखा हुआ, तो इसको बहुत बढ़िया से बना के इसको याद करके रख लेना, कहीं लिख के आपको नहीं रखना है, ठीक है। तो ऐसा लिखा हुआ है, ओके गाइस। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पासवर्ड को बना लेता हूँ। यहाँ पे पासवर्ड को हमने यहाँ पे गाइस फिल कर दिया है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सबमिट सिंपली क्लिक करेंगे। योर पासवर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली मतलब क्रिएट हो चुका है आपने जो भी बनाया। तो इस प्रकार से सक्सेसफुली आपका पासवर्ड गाइस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो काफ़ी आसान प्रोसेस होता है पासवर्ड बनाने का, यहाँ पे देख सकते हैं पॉपअप आ चुका है। तो इसी प्रकार से आपको और सारा वीडियो देखना है SBI के बारे में, फिर और बैंक के बारे में, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार से गाइस हम लोग वीडियो डालते रहते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, ओके एंड बाय गाइस।